अफगानिस्तानी मोनालिसा नाम से मशहूर शरबत बीवी को भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान के पेशावर में गिरफ्तार किया गया है। बीवी पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने की तकनीकी प्रक्रिया में जालसाजी करने का आरोप लगा है। कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र में फर्जीवाड़े के आरोप में बीवी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। बीबी के पास से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं, जिसके बाद बीबी पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 419, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के निषेध की धारा 5(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीबी के पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि साल 1984 में नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर स्टीव मैककरी ने पेशावर के पास एक शरणार्थी शिविर में बीबी की तस्वीर ली थी और नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के कवर पेज पर प्रकाशित की थी, जिसके बाद शरबत बीवी को दुनिया भर में अफगान वॉर की मोनालिसा कहा जाने लगा था। उस वक्त बीबी की उम्र मात्र 12 साल थी। बहरहाल जिस अधिकारी ने शरबत बीबी का आइडेंटिटी कार्ड बनाया था उसे जमानत मिल गई है, लेकिन शरबत बीबी अभी भी पुलिस हिरासत में है। देखते रहिए डीबी लाइव।